हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। हम समझते हैं यहाँ पर एलसीएम लेना, लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 60 हैं, तो इसका काटने का नियम है, यदि लास्ट में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होता है, तो इसे हम हमेशा ही किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। किससे काटते हैं? दो से 2 से काटते हैं। यदि अंतिम अंक कैसा हो, 0, 2, 4 या 6 या 8 हो, तो काटते इसे हम 2 से हैं। काटते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे क्या है, 0 जीरो है ना लास्ट में, तो यहाँ कितने से काटेंगे हम? दो से 2 से। 2 से जैसे हम काटेंगे, तो 2 का भाग हमें क्या करना है, 6 में देना है। कितनी बार जाएगा? 3 बार 2 3 या 6। 6 कितनी बार में आया? 3 बार में। तो तीन यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, फिर 0 का 0। अब ऐसे ही लास्ट में क्या है, जीरो 0, तो यहाँ कितने से काटेंगे? दो से 2 से। अब 2 का भाग हम 3 में देंगे, तो 2 का पहाड़ा 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार जाएगा? 5 बार 5 2 बार बार नहीं, 5 बार में 10 हो जाएगा, 1 बार में 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, जी 3 से कम होना चाहिए। 2 एक कम 1 बार में, कितनी बार में? तो एक यहाँ पे कितनी हासिल बच गई है, तीन में से बार 2 जाएंगे तो 1 हासिल। 1 हासिल दो यहाँ पे चिपका देंगे, लिखेंगे दो नहीं, पर 2 कहाँ बची है? देखो यहाँ पे, जैसे कि अपन ने 2 2 का भाग 3 में दिया, तो कितनी बार गया? 2 एक कम 2, कितनी हासिल बची? 1। तो 1 हासिल जहाँ पे चिपक गई है ना, तो कितने हो गए? 10। 2 पंजे 10, तो यहाँ पे अपने 15 आ गए। अब लास्ट में कितना आ गया? 5। देखो अपना 2 का नियम क्या था, 0 2 4 6 8 यदि आते हैं तो 2 से काटते हैं। यहाँ पे 0 2 4 6 8 में से है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या है? 5। तो लास्ट में जब 5 आ जाते हैं, तो हम 3 से या 5 से काटते हैं। किससे काटते हैं? 3 से या 5 से। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसको 3 से काटना है कि नहीं? हम इन दोनों अंकों को यदि जोड़ेंगे, तो 3 से कट रहे हैं, तो हम 3 से काट देंगे। जैसे कि 5 और 1 कितना होता है? 6। कितना होता है? 5 और 1 6, और हम 6 को 3 से काट सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3 से काट देंगे। 3 दूनी 6 यहाँ पे 3 लिख लिए, 3 पंचे 15। 15। अब 5 को 5 से, 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो 5 एकम 5। इस तरीके से हमें करना है। आइए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कितना है लास्ट में? 5। तो इसको 2 से काटेंगे क्या? नहीं, नहीं, 2 से इसको काटेंगे तो ये गलत हो जाएगा, उल्लू बना जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, पीछे 5 है, तो हम पहले पता करेंगे ये 3 से कट रहा है या नहीं। तो आइए हम जानते हैं कि 3 का क्या नियम है। 3 का क्या नियम है, यदि जैसे ये 35 हैं, यदि इनको जोड़ने पर 3 से कट जाता है, तो 3 से काट देंगे। 5 और 3 कितना हुआ? 8। अब 8 3 से कट जाएगा क्या? 8 का भाग 3 में पूरा पूरा, मतलब 8 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं। 3 दूनी 6 पर 2 बच जाएंगे ना आसन, तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो 3 से इसको नहीं काटेंगे। तो अब लास्ट में क्या है? 5 5 है ना, तो 5 है, तो इसको अब 5 से ही काटेंगे। 5 का भाग 3 में चला जाएगा? नहीं। तो कितने में देंगे? 35 में। 5 7 अब 7 कैसी संख्या है? 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 एकम 7। ठीक है, अब आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पे क्या है? 21 है ना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? 1। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे या नहीं? नहीं, क्योंकि 2 का क्या नियम है, आपको याद कर लेना है ये छोटा सा नियम, 0 2 4 6 8 होते हैं तभी हम 2 से काटते हैं। अंतिम अंक यानी कि बाद में जब 0 2 4 6 8 होते हैं तभी 2 से काटते हैं, ये नहीं होंगे तो हम 2 से नहीं काटेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा 1 है, तो हम इसे 2 से नहीं काटेंगे। अब देखते हैं हम इसे 3 से काट देंगे या नहीं, तो 2 और 1 कितना होगा? 3, और 3 3 से
कट जाएगा। तो यहाँ पे हम तीन से काटेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आपको पता है तीन का क्या नियम है, तीन से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः तीन से विभाजित होती है। तो तीन का भाग दो में चला जाएगा? नहीं जाएगा। 21 में देंगे हम पूरी तरह, 21 सात बार चला गया ना। अब सात एक हम सात, सात कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। ये वाला भी हमारा राइट हो गया। अब बताइए इसको किससे काटेंगे? लास्ट में कितना है? छः ना। कितना है लास्ट में? छः। तो यहाँ पे इसको दो से काटेंगे या नहीं? काटेंगे जी। इसको दो से काटेंगे क्योंकि दो का क्या नियम है? 0, 2, 4, 6, 8 बाद में होने पर हम दो से ही हमेशा काटते हैं। तो यहाँ पे दो से भाग देंगे तीन में, कितनी बार जाएगा? एक बार। दो एक हम दो बार में ज्यादा हो जाता। तो यहाँ पे आसन कितनी बची? एक। यहाँ पे कितने हो गए आसन? यहाँ पे जुड़ेगी नहीं, क्या होगी? चुप चिपकेगी। तो 2 8 16। अब लास्ट में कितना है? 8। तो यहाँ पे दो से काटेंगे या तीन से? दो से ही काटेंगे ना। दो से दो नाम 18। अब 9 आ गए तो किससे काटेंगे हम? तीन से क्योंकि तीन अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का वर्ग है। 3 * 9 और 3 * 1 = 3। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है जी। बाद में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो 2 से काटेंगे। यदि इनमें से संख्या नहीं आती है तो हमें चेक करना है 3 से। यदि जैसे कि ये है संख्या 51 में देखिए 2 से नहीं काटेंगे, लेकिन इनको हम जोड़ के देखेंगे, 5 और 1 कितना हुआ? 6 तीन से कट जाएगा ना पूरा। तो हम इसे 3 से ही काटेंगे। 3 का भाग हम देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 * 1 = 3 दो बार में ज़्यादा हो जाएगा 6। 3 * 1 = 3 तो यहाँ पे 5 में से 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 2 यहाँ पे चिपकेंगे तो कितने हो जाएंगे? 21 * 7 = 21 17 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17 * 1 = 17 एक बार में। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। स्मार्ट कोचिंग नरवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।